अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ होड़ा के बालाजी, जो कि चित्तौड़गढ़ से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके सामने ही तरफ सुखाड़ा गांव पड़ता है और उधर के आसपास मेरा ननिहाल भी है। और देखिए दोस्तों, ये मैंने गाड़ी तैयार कर ली है, हवा भरा लिया है, पेट्रोल भरा लिया है, इसमें बैग पैक कर लिया है, बैग में ईयरफोन्स डाल दिए हैं ताकि आधे घंटे बैठेंगे वहाँ तो भी थोड़ा सही रहेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत नाश्ता डाल दिया है और अब हम निकलने वाले हैं। कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद आप देखिएगा क्या नज़ारा है वहाँ पर। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और ऑलमोस्ट बैग और ये सब रेडी है, ये ईयरफोन्स है रास्ते के लिए, और बस निकलते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम होड़ा के हनुमान जी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहां पर हम एंट्री कर चुके। दोस्तों तो पहुंच चुके हैं होड़ा के बालाजी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मंदिर कितना खूबसूरत है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाजवाब है। अब मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं देखिए, और यहाँ पर मज़ा ही कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंदिर, ये देखिए मंदिर। और मंदिर के यहाँ पर है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ अक्सर ऊपर की तरफ ले जाती है। और अब ऊपर जाके देखना है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि सीढ़ियाँ बनाई हुई है। दोस्तों वैसे तो ये ट्रैक पूरा बनाया हुआ है अच्छे से, लेकिन अगर ऊपर आ गए तो नज़ारा तो यहाँ से भी है। ये दोस्तों वो जो पानी भरा हुआ है वो नदी है। यहाँ पर दोस्तों मैं बैग वैग लेके आया हूँ और देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ पर पूरा रास्ता बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और पूरा ये मंदिर है, मंदिर परिसर की भूमि है और बहुत ही सही जगह है ये। यहाँ पर मैं अक्सर आया करता था क्योंकि मेरा ननिहाल जो है वो यहाँ आसपास ही है, सुखड़ा गाँव के आगे कन्नौज है वहाँ पर है। सो हम हमारी लड़की और ये सब और हम सब आया करते थे। तो गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने नीचे से ट्रैक नहीं किया, नीचे से हम बाइक लेके आ गए क्योंकि आजकल रोड बन चुकी है। हर जगह जाना गाड़ी और बाइक्स होती है तो बहुत इजी हो जाता है, और वो ही यहाँ हुआ है। यहाँ बहुत जल्दी हम पहुँच गए। वो दोस्तों वो देखिए वहाँ पर बकरी, बकरी और बकरी के ऑनर है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस व्यू पॉइंट पे जहां से नदी साफ दिखती है, और आज तो बकरियां भी है, बकरियां भी साफ साफ दिख रही है। तो दोस्त अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और अब हम जाएंगे गोसना डैम। गोसना डैम पे क्या है कि दोस्तों हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक डैम बनाया हुआ है जिससे लाइट उत्पादन होती है, और वो लाइट वो यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी बहुत यूज़ करने को मिलती है सभी को, ऐसी बात नहीं।
पीछे का नज़ारा देखिए, चारों तरफ मतलब या तो ग्रीनरी है या फिर है ऐसे पत्थर रोड़ी। और ये जो रास्ता है दोस्तों, ये अभी बारिश होने वाली है और हो रही है बारिश, तो ऐसी बारिश में और ज़्यादा खुल के आता है ये। अभी तो ग्रीन 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 हो जाएगा पूरा का पूरा। दोस्तों वो रहा मंदिर, इसका मतलब हम कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं, हम बस पास ही हैं और पहुँचने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे घना जंगल आ चुका है, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, एकदम छोटी छोटी सी पत्तियों वाला पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है। तो दोस्तों ये था होड़ा के बालाजी का मंदिर, और जहाँ से मैंने आपको बाहर से मंदिर के दर्शन भी करा दिए हैं, भगवान के दर्शन करा चुका हूँ मैं, और अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे गोसुंदर डैम। डैम मतलब तो डैम होता है, और उस डैम में देखेंगे हम कि वो किस तरह से बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है। ये जो नदी है उस नदी का नाम है बेड़च, जिस नदी पर वो डैम बना हुआ है। और ये रहा भगवान का मंदिर, सूरज अभी व्यस्त है, अस्त नहीं होने वाला, तो टाइम रहेगा, देखते हैं कब तक अस्त होता है। और अगर अस्त होते हुए हम देखना चाहें तो हम गोसुंदर डैम से भी देख सकते हैं। और यहाँ बहुत से मंदिर हैं छोटे छोटे भगवान के। हाँ जी, ये मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य है। बोलो अंकल जी, होड़ा के बालाजी की जय। दोस्तों नीचे उतरते समय मुझे दिखे बहुत सारे मोर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे खड्डे हैं और मोर तो मोर है, मोर भाग जाता है। सो अब देखते हैं मोर को हम क्या कैप्चर कर पाएंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। यहाँ बहुत सारे मोर है लेकिन मेरी पहुँच से दूर है। चलो मैं गोसुंदर बांध के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पे अंकल है, मिले हम इससे, और अंकल हाय करो। अंकल ने बताया कि ये बांध 30 साल पहले बना था लगभग, और यहाँ की लाइट आती है हिंदुस्तान जिंक में और वहीं से उत्पादन होता है, और पानी यहाँ से ऑपरेट होता है। ये बेड़क नदी पे है। तो आइए हम आगे देखते हैं, अंकल से आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए बंद कर रखा, गाड़ी बाहर पार्क की है, और यहाँ से हम चलेंगे अंदर की तरफ। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को एज ए लीज पे लिया हुआ शायद, और 30 साल पहले इन्होंने यहाँ पे डैम बनाया था, और उस डैम की रखरखाव करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, ये कृत्रिम बारिश भी करवाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए बारिश नहीं आ रही है, सीज़न हो चुका है बारिश नहीं आ रही है, तो ये कृत्रिम बारिश भी करवाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में लाइट तो ज़रूरी है, वरना काम कैसे रहेगा। सो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा एरिया आप ये देखिए, यहाँ से कैमरे की नज़र में है, आप कैमरे की निगरानी में हैं। और यहाँ पर कैमरे की निगरानी में होने के बावजूद लोग बाग आते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, गाड़ी पी के दारू पी के आते हैं। सो अंकल ने भी बोला कि गाड़ी बार पार्क कर दो, क्योंकि कोई दारू पी के गिर जाता है तो जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये है बाउंड्री बना रखी है दोस्तों, ये देखो शानदार रास्ता है यहाँ पे, और ये रास्ता जाएगा सीधा डैम पे। तो दोस्तों हम डैम के पास आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों इधर पानी है पूरा, और ये डैम का दूसरा छोर ऐसे दिखेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर गोसुंदर डैम जो डैम बना हुआ है वो बहुत पास में है, अब बस पहुँचने ही वाले हैं। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर नज़ारा, एक तरफ पानी वाली खाई और एक तरफ नॉर्मल खाई, नॉर्मल एक स्लोप बना हुआ है, क्योंकि जो डैम बनता है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बनता है, तो ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पे गेट बने हुए हैं, ये जो दोस्त दिख रही जगह आपको, ये होड़ा के बालाजी से आपने देखी थी वो नदी, वो बेड़च वही है। और ये क्या है दोस्तों, अभी तो देखो एक नदी के रूप में दिख रही है, जैसे ये वहाँ से कर लेती हुई है, लेकिन जब बारिश होती है फुल, और फुल जब वो होता है डैम, तो ये पूरा जो एरिया है वो भर जाता है, और फिर गेट खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे होटल भी बना दी लोगों ने इधर की तरफ, ये देखिए दोस्तों, कमा खाने के लिए लोग बाग कुछ भी कर रहे हैं। कमा खाने का मतलब कमा के खाना, सिंपल है। तो दोस्तों
हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ बाइक्स हैं लेकिन ये शायद एम्प्लॉयज़ की बाइक्स है जो यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि कोई ऊपर आए तो सुसाइड नहीं कर ले, आए और चला जाए। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर पंप हाउस बने हुए हैं, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और डैम जैसा डैम है, नॉर्मल डैम जैसा। एक तरफ होटल है, दूसरी तरफ डैम बना हुआ है, कुछ अलग ही नज़ारे हैं। ये देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, बीच में रास्ता है आंध्र तक जाने के लिए, तो वहाँ रोक रखा है। दोस्तों देखा आपने, ये देखिए नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको अभी, और ये डैम है, डैम के दोनों तरफ गेट हैं और एक तरफ गेट बना हुआ है, ये देखिए नज़ारे यहाँ। दोस्तों अब अपन देखेंगे गेट, अब यहाँ से जाली है, जाली के अंदर से गेट दिखाएंगे हम आपको शानदार तरीके से लाइव। तो ये देखिए आप, मैं अभी दिखाता हूँ आपको अभी गेट, और ये है घोषणा डैम की फाटक। और दोस्तों ये है डैम का गेट, गेट नंबर 1। देखिए दोस्तों कितना सही लग रहा है, पानी का जब स्तर बढ़ता है तो इसे खोला जाता है। तो दोस्तों आपने देखा घोषणा डैम, और आप मुझे अच्छे से पता है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इधर का नज़ारा, उधर का नज़ारा, ये नदी और ये रहा डैम का गेट जो था वो बहुत सेक्सी था, वो जब खुलता है ना तब बहुत बहुत सही लगता है, अभी तो बंद था। दोस्तों ऊपर से देखा आपने कि हिंदुस्तान जिंक का ये घोषणा डैम कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन देखिए दोस्तों नीचे से देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, इसमें 10 गेट हैं, ये जो ऊपर की तरफ काली पट्टी है वो ओपन होती है जब पानी ओवरफ्लो होता है, अभी पानी सूखा हुआ है। सो ये एक पुल बनाया हुआ है यहाँ पर इस गांव को जोड़ने के लिए, और ये देखिए दोस्तों नीचे से जो ऊपर से मैं नज़ारा दिखाया था वो अब नीचे से देखते हैं। बस ये रोड है, ये पूरा पूरा है घोषणा डैम के ऊपर का पार्ट। तो दोस्तों आज हमने घोषणा डैम देखा और हमने होड़ा के बालाजी के मंदिर में दर्शन किए, और इन दोनों के साथ ही हमारा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस, हम नई नई जगहों पर जाएंगे और आप भी हमारे साथ रहेंगे। बाय बाय।